सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक है, जो UPSI में पूछा गया था पिछली बार। बैंकिंग का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, निर्णयन क्षमता। ये निर्णय निर्धारण भी कहते हैं इसको, निर्णय निर्धारण। हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो भी डिसीजन मेकिंग था। आप कहोगे कि इनमें फिर अंतर क्या है, तो वो जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक था वो था आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें आपको समस्या का समाधान करते हुए निर्णय लेना था। इसमें कोई समस्या नहीं है आपके सामने, इसमें केवल आपको निर्णय का निर्धारण करना है। ये सिंपल टॉपिक है आपका निर्णय निर्धारण, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इस टॉपिक के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक बैंकिंग में पूछा जाता है, लेकिन इसको जब एग्ज़ाम हुआ था आपका लास्ट टाइम SI का जो 2017 में हुआ था, तो उसमें 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के पूछ लिए थे। बैंकिंग का टॉपिक है ये, बैंकिंग में पूछा जाता है, अब भी पूछा जाता है, लेकिन बैंकिंग की ही रीजनिंग सबसे जो टफ रीजनिंग मानी जाती है वो बैंक PO की मानी जाती है, उससे ऊपर जो है CAT MAT की आती है। तो अब उस रीजनिंग को उठा के स्टेट के एग्जामों में रखने लगे, इसलिए रीजनिंग का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है जी, तो इस टॉपिक को करने का बहुत आसान तरीका है, जैसे कि कोई फॉर्म निकलता है। ठीक है, अब जैसे UPSI का ही फॉर्म निकल गया, मान लो निकलने वाला है UPSI का फॉर्म, तो उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे जब फॉर्म भरने जाओगे, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इसमें मांगा क्या क्या गया है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कि मैं इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हूँ भी या नहीं। ठीक है, तो वही ये टॉपिक है। इसमें आपको कंडीशन दी हुई होंगी कि इन कंडीशन के आधार पे आपको बताना है कि चयन करना है नहीं करना है, या मामला कंपनी के जो है मैनेजर को भेजना है, जनरल मैनेजर को भेजना है, ये निर्णय आपको करना होगा। डेटा आपको दिया हुआ होगा। ठीक है जी, तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके जो आपका बेसिक था वो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा। एक तरीके से किसी कंपनी में जो है जॉब के लिए इंटरव्यू हो सकता है, जॉब के लिए जो है वो आपसे मांगा जा सकता है ब्यौरा, या फिर किसी स्कूल में एडमिशन के लिए, इसमें कुछ भी हो सकता है इस टॉपिक में। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे। इसने दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं ये कंडीशन, ये 3 सवाल पूछे गए थे इस तरीके के SI में, इस तरीके के ही पूछे गए थे। ठीक है, SI में 3 क्वेश्चन एक साथ थे, इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई थी, तो जिनके सामने ये टॉपिक पहली बार आया था तो वो ये सोच रहे थे कि इतनी बड़ी लैंग्वेज को पढ़ेंगे, इतने तो और क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसे छोड़ के आ गए थे। जबकि ये सवाल बहुत आसान होते हैं, बस इसमें क्या है, ये चीज़ें जो दी हुई ना पढ़ने के चक्कर में इसको हम छोड़ाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पढ़ के एक बार आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आसान है, कैसे? अब इसने दिया हुआ है कि एक बैंक द्वारा कृषि फील्ड अधिकारियों के चयन संबंधी शर्तें नीचे दी गई हैं, यानी कि एक बैंक द्वारा जो है वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की भर्ती करना चाह रहे हैं बैंक वाले, तो उसके लिए नीचे शर्तें दी गई हैं, जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसका चयन करेंगे। ठीक, शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त है कम से कम 60% अंक सहित कृषि स्नातक होना चाहिए, यानी कि उसने ग्रेजुएशन किस में कर रखी हो, आपकी एग्रीकल्चर में, कितने परसेंट अंकों के साथ, 60% अंकों के साथ, कि उम्र 1/8/2009 को कम से कम 22 और 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसकी जो एज है वो कम से कम 22 होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो है वो 28 होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा ना हो, 22 से कम ना हो। ठीक, तीसरी कंडीशन है को चयन साक्षात्कार में जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में उसे कम से कम 45% अंक मिले होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक, अगली कंडीशन है को चयन परीक्षा में, यानी कि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम लिया जाएगा उसमें उसको 40% अंक मिले होने चाहिए। ठीक, और लास्ट कंडीशन है कि 2,00,000 का बॉन्ड देने के लिए तैयार होना चाहिए, कि हाँ 2,00,000 का बॉन्ड भरना है तो उसके लिए तैयार होना चाहिए व्यक्ति। ठीक, ये सारी कंडीशन जब कोई व्यक्ति पूरा करेगा तब उसका चयन करेंगे। ठीक, अब इन कंडीशन के साथ 2 क्लॉज जोड़ दिए हैं, वो क्लॉज क्या है? पहला क्लॉज है आपका, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरा करता है सिवाय, ठीक,
कौन सी शर्त के? पहली शर्त के। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त ये थी कम से कम 60% अंक सहित कृषि स्नातक होना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति के पास जो एग्रीकल्चर से जिसने ग्रेजुएशन की है 60% अंक नहीं आ पाए, लेकिन उसके क्या हैं, उसके 55% अंक मिले, तो 60 तो होने चाहिए थे लेकिन उसे कितने मिले? 55। लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा क्या चीज़ होनी चाहिए कि 60% अंक सहित वो जो है आपका कृषि में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में उसने पीजी कर रखा हो। कितने परसेंट के साथ? 60% अंकों के साथ कृषि में स्नातकोत्तर का मतलब क्या हो गया? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। तो ऐसा मामला जो है वो जीएम कृषि अग्रिम को भेजा जाना है। किसको भेजा जाना है? जीएम यानी कि जनरल मैनेजर जो एग्रीकल्चर का होगा उसको भेजा जाएगा जब ऐसा मामला होगा। ठीक है जी, अगली कंडीशन, अगला क्लॉज क्या है? अगला क्लॉज जो बी है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? उपरोक्त थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये को चयन साक्षात्कार में कम से कम 45% अंक मिले होने चाहिए। चयन साक्षात्कार में कितने अंक मिले होने चाहिए? 45%। लेकिन अगर किसी के 45% नहीं हो, किसमें? इंटरव्यू में, तो उसके पास एक्स्ट्रा क्या हो कि चयन परीक्षा में कम से कम 55। चयन परीक्षा में होने कितने थे? 40। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के चयन परीक्षा में 55% अंक हो और साक्षात्कार में वो जो है 45 नहीं लाया, 45 अंक नहीं मिले हों, लेकिन उसे कंपटीशन एग्जाम में 55% अंक मिले हों, तो ऐसा मामला जो है वो जीएम कार्मिक के पास भेजना है। ठीक है, अब ये कंडीशन पढ़ने के बाद आंसर देने का तरीका वो इधर लिख दिया है कि ऑप्शन नंबर ए कब देना है आपको? यदि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, यानी कि सारी शर्तें पूरी कर लेगा तो उम्मीदवार का चयन हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद है दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं, यानी कि जो दिया हुआ सारा डाटा है अगर उससे हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मामला जीएम कृषि को भेजना है, जीएम कृषि अग्रिम के पास भेजा जाएगा तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी। और जीएम कार्मिक के पास अगर मामला भेजा जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इस तरीके से आंसर करने का तरीका वो ऊपर ही लिख के दे देता है। ठीक है, अब ये सारी कंडीशन हमने पढ़ ली तो इनको बार बार ना पढ़ना पड़े, तो इसलिए तीनों क्वेश्चन के लिए इन कंडीशन को इस तरीके से लिख लो। ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन और पांचवी कंडीशन। ये पांचों कंडीशन एक साथ लिख ली हैं। अब पांचों कंडीशन क्या हैं आपकी? पांचों कंडीशन, पहली कंडीशन है कम से कम 60% अंक सहित स्नातक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन यहाँ पे आपकी आ गई, ग्रेजुएट होना चाहिए, लिख लो। ठीक है, कितने? 60% अंकों के साथ। सेकंड कंडीशन क्या आ गई? सेकंड कंडीशन है आपकी कि उम्र जो है उसकी 22 और 28। तो सेकंड कंडीशन पे यहाँ पे लिख लो, एज 22 और 28 के बीच होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आ गई? तीसरी कंडीशन है कि साक्षात्कार में उसे 45% अंक मिले हों, तो उसको इंटरव्यू में 45% अंक मिले होने चाहिए। चौथी कंडीशन क्या आ गई? कि उसको कंपटीशन एग्ज़ाम में 40%, तो उसे कंपटीशन एग्ज़ाम में 40% अंक होने चाहिए। और पांचवी कंडीशन, 2 लाख का बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 लाख का बॉन्ड। ठीक, अब ये पांचों कंडीशन लिख ली। क्लॉज किस किस के साथ जुड़ा हुआ है? क्लॉज जुड़ा हुआ है पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, तो यहाँ पे ए लिख लो। और उसके बाद क्लॉज कौन सी कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है? और तीसरी कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन के नीचे ये बी लिख लो, जिससे आपको पता रहे कि इनके साथ क्लॉज जुड़ा हुआ है। तो अब इन कंडीशन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर हो गया? इन कंडीशन को पढ़ के हमने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया। चार्ट प्रिपेयर पहले से कर लेंगे, तीनों क्वेश्चन करने फिर आसान हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है, दिखाई दे रहा है क्या सबको? दिखाई दे रहा है पीछे तक? क्लियर है। मनोज भार्गव का जन्म 8 जुलाई 1984 को हुआ। कब हुआ है जी? 8 जुलाई 1984 को हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले इसकी एज निकाल लो। एज कैसे निकालनी है हमें? 1/8/2009। तो हमें एज, देखो कैलेंडर के टॉपिक में भी मैंने बताया हुआ था, जब एज हम निकालेंगे तो जो हम लिखने का तरीका होता है डेट ऑफ बर्थ, इसको ऐसे लिखो 2009, 8 और 1। क्लियर है? और इसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 1984 7/8। अब इसमें से इसे घटा के देख लो, ये कितने साल का बैठ रहा है। तो एक में से 8 नहीं जाएगा, तो इधर से क्या करेंगे हम? उधार ले लेंगे। कितने? एक महीने में कितने दिन?
कितने दिन होते हैं? अब देखो ये 1-8, ये डेट जो है वो अगस्त की है, तो इससे पहले कौन सा महीना आया होगा? जुलाई। तो जुलाई में कितने होते हैं? 31 दिन। तो इधर जब 31 दिन उधार जाएंगे तो 31 और 1 कितना हो गया? 32। अब 32 में से 8 गया कितना बचेगा? 24। उसके बाद यहाँ पे कितना बच रहा है? 7। 7 में से 7 गया कितना हो गया? 7 में से 7 गया आपका 0। और ये जब तुम इसे सॉल्व करोगे, 9 में से 4 गया 5, और इधर ये हो गया 10 में से 8 गया 2। तो यानी कि उसकी जो एज है वो कितनी आई मनोज भार्गव की? 25 साल 24 दिन की आई, यानी कि वो 25 साल का हुआ है। या फिर अगर तुम घटाना नहीं चाह रही है तो एग्जैक्ट आ जाएगी, सीधे सीधे देखो 84 से लेके 2009 तक, तो 84 से 2009 तक कितने साल हो रहे हैं? तो 84 से लेके 2000 तक 16 साल तो वो हो गए, और 9 तक वो हो गए, तो 16 और 9 कितना हो गए? 25 साल का है। और एज कितनी चाहिए थी हमें? 22 और 28 के बीच, यानी 22 से कम ना हो, 28 से ज़्यादा ना हो। तो यानी कि एज वाला जो सेक्शन है किसका? मनोज भार्गव का, वो सही है। और एज जो है कहाँ पे थी? सेकंड, यानी कि सेकंड वाले पे सही का निशान लगा देंगे। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसे चयन परीक्षा में 50% और चयन साक्षात्कार में 45। चयन परीक्षा में कितने होने चाहिए? चयन परीक्षा में होने चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में 40, और उसे मिल कितने रहे हैं चयन परीक्षा में? 50। तो ये वाली कंडीशन भी वो फॉलो कर रहा है, कौन? मनोज भार्गव। उसके बाद चयन साक्षात्कार में 45% अंक मिले होने चाहिए, इंटरव्यू में कितने होने चाहिए? 45। और 45 इसको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ये कैसी कर रहा है? पूरी कर रहा है। उसके बाद कृषि विज्ञान की डिग्री में उसे 65% अंक मिले, यानी कि उसने ग्रेजुएशन जो की वो कृषि से की, और ग्रेजुएशन से ही होनी चाहिए, कृषि से ही होनी चाहिए ग्रेजुएशन। कितने परसेंट अंकों के साथ? 60%। और वो कितने लेके आया है? उसे मिले हैं 65%। तो ये वाली कंडीशन भी उसने पूरी कर ली, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वह 2 लाख का बॉन्ड देने को भी तैयार है। अब 2 लाख का बॉन्ड भी दे रहा है, तो जो पांचवी कंडीशन है उसे भी फॉलो कर लिया। जब ये व्यक्ति पांचों कंडीशन पूरी कर रहा है तो क्या इसका आप खुद ही बताओ निर्णय लो, चयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुद बताओ निर्णय लेके। आपका सबका जवाब मुझे पता है आ गया, क्या होना चाहिए? तो जब इसका चयन होना चाहिए तो आप सीधे वहां पे आ जाओ। ऐसा कोई ऑप्शन है उम्मीदवार का चयन का? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो आपके पहले सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो वीडियो को दोबारा देखें। एक बार से अगर समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखने पे मेरी गारंटी है कि ज़रूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन अच्छे से और बता पाऊँगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तब भी, नहीं लग रही तब भी, ठीक है। अच्छा कमेंट बुरा कमेंट करें तो ज़रूर, उससे पता तो चलेगा कि कहाँ का मेरा रेट, ठीक। अगले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल मैंने हटा दिया, थोड़ा स्पेस बन गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, मीना देसाई ने चयन परीक्षा में 45%। चयन परीक्षा में कितने होने चाहिए जी कंपटीशन एग्जाम में? ये कंपटीशन एग्जाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है समय बचाने के लिए, 40 होने चाहिए, और उसे कितने मिल रहे हैं? 45। यानी कि वो चौथी कंडीशन पूरी कर रही है, कौन? मीना देसाई। उसके बाद साक्षात्कार में 40% अंक पाए हों, और जबकि साक्षात्कार में होने कितने चाहिए? 45। तो ये कंडीशन को उसने पूरा नहीं किया। तो अब ये नहीं कि इसका आंसर तुरंत लगा दो कि कंडीशन पूरी नहीं कर रही तो इसका चयन नहीं होगा, इसके साथ एक क्लॉज भी जुड़ा हुआ है। वो क्लॉज क्या है? क्लॉज को देखो ध्यान से कि अगर कोई उम्मीदवार तीसरी कंडीशन पूरी ना करे तो उसे चयन परीक्षा में कम से कम 55% अंक मिले होने चाहिए, और इसे चयन परीक्षा में कितने मिल रहे हैं? 45। तो ये क्लॉज भी पूरा नहीं कर रही। जब ये क्लॉज भी पूरा नहीं कर रही तो इसका मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका चयन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस क्लॉज को वो पूरा कर रही होती तो फिर मामला, और बाकी कंडीशन भी पूरी कर रही होती तो मामला जो है हम किसको भेज देते? जीएम कार्मिक के पास भेज देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस पूरे सवाल पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि भी आगे तक पढ़ते चले जाओ, हमें यहीं से क्लियर हो गया। देखो, उसने चयन परीक्षा में 45%, 40 होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। उसके बाद साक्षात्कार में 40% अंक पाए, जबकि साक्षात्कार में मिलने कितने चाहिए? साक्षात्कार में 45% मिलने चाहिए, और उसे मिलने केवल 40। चलो, इतनी बात भी क्लियर हो गई कि
अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कार में इतना सक्षम नहीं था कि 45% अंक ला पाए, तो उसके साथ एक क्लॉज जोड़ दिया था। वो क्लॉज क्या जोड़ा था, जो ये बी क्लॉज आपका लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, कि किंतु उसे चयन परीक्षा में 55%, अगर वो इंटरव्यू में नहीं लेके आ पा रहा है कितने 45%, तो उसने कंपटीशन में अच्छा करना पड़ेगा। कंपटीशन में कितने लाने पड़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम में 55, लेकिन इसके तो कंपटीशन में 40 हैं, तो ये क्लॉज भी पूरा नहीं कर रही और सेकंड कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रही, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका चयन नहीं होगा। तो मीना देसाई को निराश होना पड़ेगा यहाँ पे कि उसका चयन नहीं होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये टॉपिक। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तीसरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक ढींगरा को स्नातकोत्तर कृषि डिग्री में 64%। स्नातकोत्तर वाली तो हमारी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको अभी रहने दो, ठीक है, इसको अभी रहने दो, क्यों, इसकी जरूरत क्लॉज में पड़ सकती है, क्लॉज भी तो था इस तरीके का, ठीक। स्नातकोत्तर कृषि की डिग्री में 64% और स्नातक कृषि में 65, स्नातक यानी ग्रेजुएशन में 65 मिले हैं, होने कितने चाहिए 60, यानी कि पहली कंडीशन को वो पूरा कर रहा है, क्लियर हो गया। उसके बाद उसने 2006 में 24 वर्ष की आयु में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की है, यानी कि उसने पीजी कर लिया है 24 वर्ष की आयु में, ठीक, 24 वर्ष की आयु में पीजी कर लिया है, और एज कितनी होनी चाहिए, 22 से 28, तो एज वाले जो सेक्शन है वो भी कैसा है, सही है, यानी कि एज भी उसकी सही है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि चयन परीक्षा में और साक्षात्कार में 50-50, चयन परीक्षा और साक्षात्कार में जो है आपके साक्षात्कार में 45 होने चाहिए थे, उसे 50 मिले हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी 40 होने चाहिए और उसे 50 मिल रहे हैं, तो ये कंडीशन भी पूरी कर रहा है। अब इस सवाल में ये जो पांचवी कंडीशन है कि 2 लाख का बॉन्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो अब इसका आंसर क्या लगाओगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा कि दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड वाली कोई बात नहीं की गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर SI के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो और उसमें ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो उसमें गलत नहीं होने चाहिए, तभी हमारी पढ़ाई सफल है। अगर हम ये टॉपिक करके गए और SI के एग्ज़ाम में गलत हो गए, तो फिर हमारी पढ़ाई जो है हमने सब कुछ बेकार कर दिया। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस करने से मतलब नहीं होता, जितना करके जाओ अगर उससे कोई क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए, तो हमारी पढ़ाई कामयाब है। क्लियर है, ये नहीं कि सारी चीज़ें अपने दिमाग में भर के सारा आने की, सिलेबस तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और हमें जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में वो गलत कर लिया, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें भी अच्छा ही नहीं लगता। हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, जब हमसे बच्चा कहते हैं कि सर मेरा उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था एग्ज़ाम में, आपके सेक्शन में इतने नंबर किए, ये तो तब जाके बड़ी खुशी सी मिलती है हमें भी, आपसे ज़्यादा खुशी मिलती है हमको, ठीक है। 3 ही व्यक्ति हैं जो आपकी सिलेक्शन पर खुश होंगे, एक तो आप खुद, एक आपके माता पिता और एक आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और अगर ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो उसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ये नहीं कि अपने पास रखें कि बस मैं ही सिलेक्शन लूँगा, ठीक है, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं इसको। अब इसके 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, मैं उसको बोर्ड पर लगा देता हूं, ठीक है। फिर अब वीडियो के अंत तक बने रहना, क्यों, क्योंकि उसमें जो 2 क्वेश्चन है यानी कि सारे क्वेश्चन देखने जरूरी हैं, तभी आप इसके 100% क्वेश्चन सही कर पाओगे, ठीक है। तो उन 2 क्वेश्चन को और मैं लगा देते हैं अगले सवालों की ओर। 2 सवाल जो बच गए हैं वो आपके बोर्ड पर मैंने लगा दिए हैं, अब आप जो है स्क्रीनशॉट लेके खुद से प्रयास करें और आंसर को टैली करने के लिए वीडियो को रिज्यूम करके देखें, ठीक है जी। अब मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप बना लोगे और उसका आंसर भी सही आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे और अपने आप पर और आप पर पूरा भरोसा है कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो समझाया वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ। जब समझ में आएगा तभी तो आंसर आएगा। चलो जी, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जितेंद्र दास ने कृषि स्नातक डिग्री में 65% अंक पाए, कितने होने चाहिए स्नातक में, 60 होने चाहिए इसको मिलने, 65 पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, कौन, जितेंद्र दास। उसके बाद उसे चयन परीक्षा में 58%
तो चयन परीक्षा कंपटीशन एग्जाम में 40 होने चाहिए, तो उसके कितने 58, तो ये कंडीशन भी सही है। इन कंडीशनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधे हम चार्ट इसीलिए बनाते हैं कि समय आपका बच जाए 3 क्वेश्चन करने में, ठीक है। बस एक बार पढ़ के इसको चार्ट को बनाओ तुरंत, और जितने सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कम समय लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चयन परीक्षा में 58 हो गए, चयन साक्षात्कार में 40, और चयन साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में 45 होने चाहिए, तो ये कंडीशन को वो पूरा नहीं कर रहा है। अब जब ये पूरा नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन के साथ एक क्लॉज भी जुड़ा हुआ है। क्लॉज क्या था? क्लॉज ये था आपका कि अगर कोई व्यक्ति तीसरी कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा किंतु उसे चयन परीक्षा में कम से कम 55% अंक मिले हों, तो इसे चयन परीक्षा में कितने मिल रहे हैं? चयन परीक्षा में ध्यान से देखो कितने मिल रहे हैं, चयन परीक्षा में इसको मिल रहे हैं आपके 58, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है? 55। तो इसका मतलब जो क्लॉज बी था वो फॉलो कर रहा है, कंडीशन सेकंड को फॉलो नहीं की लेकिन क्लॉज बी को फॉलो कर लिया। आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है कि वह 2,00,000 का बॉन्ड देने को भी तैयार है, तो 5वीं कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ठीक, बस इसकी एक कंडीशन बच रही है, कौन सी? 22 से 28 वाली। स्कोर चेक कर लेते हैं, उसका जन्म 14 अप्रैल 1982 को हुआ, तो 82 से लेके और 2009 तक टोटल कितने साल का हो जाएगा वो? 82 से लेके, तो 82 से और 2000 तक 18 साल हो गए, 82 में 18 जोड़ोगे, उसके बाद 2009 साल वो हो गए, तो 18 और 9 कितना हो गया? 27। तो एज कितने से कितनी होनी चाहिए हमारी? 22 से 28, और उसकी एज हो रही 27, तो ये कंडीशन भी पूरी कर रहा है। थर्ड कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा था लेकिन उसके क्लॉज को पूरा कर रहा था। अब थर्ड कंडीशन के साथ जो क्लॉज था वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति तीसरी कंडीशन पूरी ना करे, यानी कि अगर उसको साक्षात्कार में 45 ना मिले हों लेकिन चयन परीक्षा में उसे 55 मिले हों, और उसे कितने मिल रहे हैं? 58, तो ऐसा जो मामला है वो जीएम कार्मिक के पास भेजना है। तो अब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ई, यदि मामला जीएम कार्मिक के पास भेजा जाएगा तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ई। इसका चयन करना ना करना अब किसके हाथ में है? जनरल मैनेजर जो कार्मिक डिपार्टमेंट से हैं उनके हाथ में है। अब जनरल मैनेजर डिसाइड करेंगे कि भैया सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, मामला वहां पर भेज दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। क्लियर हुआ? उम्मीद करूँ कि आपका आंसर भी ई आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमारा आंसर भी ई आया था और हमने जो है आपसे पहले कर लिया था, तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि मुझसे पहले कर लिया तो मेरा पढ़ाना सफल। ठीक है जी, अगला सवाल क्या है? सतीश समल का जन्म 18 जून 1984। अब 18 जून 1984 से लेके 2009 तक 16 और 9 25 साल का बैठ रहा है वो, एज होनी चाहिए 22 से 28, सेकेंड कंडीशन पूरी कर ली। आगे बढ़ते हैं। कृषि स्नातक डिग्री में 59% और ग्रेजुएशन की डिग्री में कितने होने चाहिए जी? 60, और उसे कितने मिल रहे हैं? 59, तो इसका मतलब पहली कंडीशन वो पूरी नहीं कर रहा। लेकिन पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा इसका आंसर चयन नहीं कर दिया लगा जाओगे। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन के साथ क्लॉज जुड़ा हुआ है, क्लॉज ए क्या था? वो ये था कि यदि कोई पहली कंडीशन को पूरी ना करे किंतु उसे कम से कम 55% अंक मिले होने चाहिए, किसमें? ग्रेजुएशन की डिग्री में, और साथ साथ वह 60% अंक उसे मिले होने चाहिए, किसमें? कृषि स्नातकोत्तर में, यानी कि उसने पीजी कर रखा हो। ग्रेजुएशन में कितने हो? 55, तो ग्रेजुएशन में इस व्यक्ति के कितने अंक हैं? ग्रेजुएशन में इसके 59 हैं। ठीक, अब पीजी में उसे कितने मिल रहे हैं? स्नातकोत्तर की डिग्री में 64, और पीजी में होने कितने चाहिए? 60, तो यानी कि क्लॉज को पूरा कर रहा है, कंडीशन तो पूरी नहीं की इसने लेकिन क्लॉज पूरा कर लिया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, उसे चयन साक्षात्कार और चयन परीक्षा, यहाँ पे चयन साक्षात्कार और चयन परीक्षा ये दोनों में उसे 45% अंक मिले हैं। तो देखो इंटरव्यू और कंपटीशन में, इंटरव्यू में 45 होने चाहिए, 45 ही हैं, कंपटीशन में 40 होने चाहिए लेकिन उसके 45 हैं, तो ये कंडीशन भी पूरी कर ली। अब एक कंडीशन और बच रही है, 2,00,000 का बॉन्ड, देखते हैं वो भर रहा है कि नहीं भर रहा है। 2,00,000 का बॉन्ड देने को भी तैयार है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी इसकी
पूरी हो रही है। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या लगाओगे, यानी कि चैन कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा था, लेकिन पहली कंडीशन के क्लॉज को पूरा कर रहा है। अब पहली कंडीशन के क्लॉज को जब कोई व्यक्ति पूरा करेगा तो उसका मामला जीएम कृषि अग्रिम को भेजा जाना है, और जीएम कृषि अग्रिम के पास भेजने का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ठीक, तो आप अगर थोड़ा सा कमेंट कर देंगे तो उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग करनी है, मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगेंगे। ठीक, अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उसमें हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो लास्ट टाइम यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था UPSI का 2017 में, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनको हम करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, और आप सभी का चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।